नमस्कार, स्वागत है आपका ग्लोबल नाउ 24/7 में। आपके साथ मैं हूँ साक्षी। आज हम निकले थे वैलेंटाइंस डे वाले दिन लोगों से जानने के लिए कि उनका वैलेंटाइन डे वो कैसे मनाते हैं, लेकिन यूथ और यंग जनरेशन से तो सभी पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम जनरेशन गैप जो अब आ चुका है लोगों में उनसे जानने की कोशिश करें कि वो लोग अपना वैलेंटाइंस डे कैसे मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है, हम क्या ढूंढ पाते हैं इसमें। मैम, वैलेंटाइंस डे है आज, कैसे सेलिब्रेट करने का? बस यहाँ पर आए हैं घूमने के लिए, खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा पहले मंदिर गए वहाँ पे क्योंकि एनिवर्सरी थी तो इसलिए मत्था टेक है। अब इसके बाद खाएंगे पिएंगे और बस वापसी। सर शाम को भी यही करेंगे, शाम को भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए कुछ ले जाएंगे खाने को, केक काटेंगे, बस यही है। क्योंकि अब गिफ्ट का तो रहा ही नहीं, 35 ईयर से ये मुझे मेरे साथ हैं, मैं इनके साथ हूँ, इनको झेल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा गिफ्ट तो क्या है हमारे लिए, सबसे बड़ा। हमेशा से वैलेंटाइंस डे मनाते आए आप लोग? हाँ, हमारी मैरिज एनिवर्सरी होती है ना, उसे बन जाती है। पहले 25 साल में रिटायर हूँ तो मैंने, इसलिए मेरे पास टाइम पहले, इनफैक्ट कुछ स्टार्टिंग ईयर्स में तो वी डिडंट हैव एनी आइडिया कि वैलेंटाइंस डे होता क्या, बट धीरे धीरे जब लगा, लोगों ने कहा भी, कह रहे आपकी शादी तो आपने सोच के की थी, नहीं ऑटोमेटिकली भगवान जी ने करा दी थी, बस यही है। तो पता नहीं था 14 फरवरी को ऐसा वैलेंटाइन डे होता है, अभी पता लगा, तो दोनों चीज़ें सेलिब्रेट कर लेते हैं। सर आज वैलेंटाइंस डे, आपको पता है ये बात? हाँ जी पता है मुझे ये बात। तो सर क्या प्लान है आज अपनी वाइफ के साथ, क्या वैलेंटाइंस डे पे स्पेशल करना है? प्लान तो ये है, अभी हम शॉपिंग के लिए निकले, ठीक है, फिलहाल के लिए जो सबसे पहले जो लेडीज़ को पसंद होता है फ्रेगरेंस होता है वो अभी हमने परचेज कर लिया है और बाकी चीज़ें अगर देखते हैं, अगर कुछ मार्केट में करता है, वैसे तो हम ज़्यादातर विंडो शॉपिंग के प्रेफरेंस करते हैं, बट रोड साइड फ्ली मार्केट में हमें शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद है। मैम आपका क्या लगता है वैलेंटाइंस डे कैसे मनाना चाहिए? मेरे लिए तो रोज़ ही वैलेंटाइन डे है, स्पेशल ऐसा नहीं है कि वैलेंटाइन डे होगा तो तभी कुछ अलग से करेंगे। जैसे मैंने लोगों से सुना है कि वैलेंटाइंस डे ऐसे कुछ मतलब स्पेशल नहीं है, रोज़ वैलेंटाइंस डे होना चाहिए, उस पर आपका क्या? हाँ वो तो बिल्कुल ही होना चाहिए, लोगों के माइंड सेट में डिपेंड होता है ना, कुछ स्पेशल डे होते हैं, मगर क्या होता है कुछ दिन ऐसे आते हैं कुछ अलग से ही फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, कि कुछ दिन पहले से फीलिंग आती है कि आज उस दिन के लिए कुछ स्पेशल करना है, अदरवाइज डेली ही वैलेंटाइन डे होता है, आपको फील करना है या करिए नहीं करना है, नहीं करिए। ये बहुत अच्छा आंसर मुझे आपसे मिला है, सर ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि वैलेंटाइंस डे वैसे तो रोज़ ही होता है बट, लेकिन हाँ एक दिन स्पेशल होता है जिस दिन आप सोचते हो कि ये आपको अलग करना है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं। तो हम बाइट ले रहे थे लोगों की, लोगों से जान रहे थे वैलेंटाइंस डे के बारे में, चलते चलते हमें क्यूट सा कपल दिखा, आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनका वैलेंटाइंस डे पर क्या टेक है। सो आंटी, वैलेंटाइंस डे पर मतलब मैं देख सकती हूँ अंकल ने आपको और आंटी आपने अंकल को दिया है एक फूल, उस पर आपका क्या टेक है वैलेंटाइंस डे पर? बस अच्छा त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है और एक दूसरे को शुभकामनाएं कि ऐसे ही हम लोग वैलेंटाइन डे मनाते रहें। अंकल आपका क्या? भाई वैसे तो हम इस उम्र की इस मोड़ पे हैं कि हमारे वैलेंटाइन तो अब बजरंगबली हैं, तो हम उनको पहले हाथ जोड़ के आए हैं, उनसे प्रसाद लेके आए हैं, तो दूसरा वैलेंटाइन हमारा ये बच्चा था जिससे हमने ये दो रोजेस खरीदे हैं, एंड तीसरे आप लोग इतने प्यारे बच्चे हैं कि हम लोगों के लिए आपने ये सब किया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो जब हम हंट कर रहे थे कि हमें कपल्स मिलेंगे तो हमें काफ़ी क्यूट कपल्स मिले जिन्होंने बताया वो अपना वैलेंटाइंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू गाइज। एंड इस नोट पर मैं साक्षी शर्मा, कैमरा पर्सन चिराग शर्मा के साथ ग्लोबल नाउ 24/7 न्यू दिल्ली।